हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर जो आप कर रहे हैं, संख्याओं के साथ खेलना, यानी प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसी चैप्टर को बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों काफी सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई है सारी चीजें। तो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे थे वो है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स किस पे बेस्ड है बच्चों? जो हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और बाकी के नंबर सीखे थे, जैसे ऑड इवन क्या होता है, उन्हीं के आधार पे वो क्वेश्चंस आपने किए हैं बच्चों। तो उम्मीद है आप सबने अच्छे से वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों इसी के साथ हम आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे आज के लिए, वो क्या होने वाला है? सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। क्या है? जो 13 है और 31 है वो सभी प्राइम नंबर्स हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट 1 एंड 3। तो क्या आप देख पा रहे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं? यहाँ पे 13, 13 एंड 31 के बारे में बात की जा रही है। तो दोनों में 3 एंड 1 आता है, बस एक बारी 1 पहले आ गया, एक बारी 1 बाद में आ गया, यही चीज है। और ऐसे ही एक बारी 3 पहले आ गया, एक बारी 3 बाद में आ गया। तो इसमें अब रियल क्वेश्चन ये है कि आपको क्या फाइंड करना है, सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100। तो इसमें क्या बोलना चाहते हैं, भाई हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि जो 13 और 31 है वो दोनों क्या हैं? वो अभाज्य संख्याएं हैं। और जो ये अभाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों में सेम अंक हैं, ठीक है, एक जैसे अंक हैं, जो कि 1 और 3 हैं। तो आपको ऐसे युग्म बताने हैं प्राइम नंबर के 100 तक। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या हमने 100 तक हमने प्राइम नंबर्स पता है हमें 100 तक? तो बच्चों हमने किए थे ऐसे प्राइम नंबर्स, चलिए उन्हीं पे चलते हैं हम। तो 100 तक देखिए हमने प्राइम नंबर्स लिखे थे यहाँ पे, ये प्राइम नंबर्स हैं अप टू 100। तो यहाँ पे आपको ऐसे युग्म बनाने हैं, ऐसे पेयर बताने हैं जो कि 100 तक आपके प्राइम नंबर्स होंगे और उनके पेयर होंगे जिसमें दोनों अंक एक जैसे यूज किए गए हैं। तो बच्चों और पेयर्स आप फाइंड आउट करो और जल्दी से आंसर बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर के जो पेयर हैं अप टू 100 वो कौन से हो सकते हैं, ये चीज आपको पता लगाना है। अब देखिए जो हमने डिस्कस किया था वो पेयर यहाँ पे आप स्पॉट कर सकते हैं, एक तो 13 है और एक है 31, 31 यहाँ पे दिख रहा है मुझे। इसी तरह से बाकी के पेयर बच्चों आप स्पॉट आउट करेंगे। तो जल्दी से इसको बताइए और कौन से पेयर हो सकते हैं, और जो भी आपका आंसर आता है चैट के माध्यम से अपना आंसर सेंड कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स अगर आपका आंसर आ गया है तो अपना आंसर आप शेयर करें चैट के माध्यम से। देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि भाई पेयर है, दो अंकों के प्राइम नंबर देखने हैं। तो जो स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं 2, 3, 5, 7, ये सब क्या हैं? ये एक अंक के हैं, तो ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर हम 11 देखेंगे, अब 11 जैसा तो 11 ही होगा, अब एक को आगे कर लो पीछे कर लो दोनों में एक ही है, तो इसीलिए ये भी नहीं हम कैलकुलेट करेंगे। 13 तो है ही ऐसा पेयर, इसके बाद और पेयर कौन सा हो सकता है? देखिए 17 को देखते हैं, यहाँ पे 1 और 7 है, ऐसा कौन सा अंक है जिसमें 1 और 7 फिर से यूज हुआ है? तो हम चेक करेंगे, देखिए इसको उल्टा करके क्या बनता है, 7 और 1। क्या 71 भी प्राइम नंबर है? बिल्कुल है, यहाँ पे 71 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे एक ऐसा पेयर आ गया 17 और 71। फिर और कौन सा पेयर हो सकता है? 19 को देखिए, 19, क्या 19 एक प्राइम नंबर है? हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है 19, और इसका अगर रिवर्स करेंगे डिजिट को तो ये हो जाएगा 91। क्या 91 91 भी एक प्राइम नंबर है? नहीं है, 91 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो ऐसा युग्म बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह हम अगले जो भी आपके पेयर हैं उनको चेक करेंगे, 23, 23 तो इनको अगर हम
आगे पीछे करते हैं डिजिट्स को तो ये 32 हो जाता है, 32 जो कि प्राइम नंबर नहीं है। 29 का अगर इसको वो करते हैं चेक करते हैं तो 29 और 92, तो 29 प्राइम नंबर है लेकिन 92 नहीं है। इसी तरह हम सभी नंबर्स को चेक कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर है हमारे पास। तो देखिए एक आता है 37, 37 ठीक है, तो इसको अगर 7 को पहले लिखेंगे और 3 को बाद में तो ये 73 हो गया, तो ये 37 और 73 भी एक प्राइम नंबर हो जाता है स्टूडेंट्स। इसी तरह और प्राइम नंबर हम देखेंगे, इसके अलावा और कौन से प्राइम नंबर आपके यहाँ पे होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए 41 मतलब 14 ये भी नहीं होगा, 43 और 34 ये भी नहीं होगा, 47 और 74 ये भी नहीं होगा, 53 और 35 और ये 59 और 95, 61 और 16, 67 और 76 इनमें से कोई नहीं होगा, 79 और 97 देखिए ये दोनों साफ साफ सीधे सीधे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं तो ये प्राइम नंबर हो जाएंगे। बट 83 और 89 इनको भी आप डिजिट्स को अगर आगे पीछे करके देखेंगे तो इनमें से भी कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। अब देखिए पेयर कौन से हो गए स्टूडेंट्स, एक तो 17 हो गया, क्या हो गया 17 और 71 है ना, 17 और 71 हो गया, और दूसरा पेयर कौन सा हो गया, दूसरा पेयर आपका हो जाता है 13 और 31, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है। फिर आ जाता है 37 और 73, एक पेयर ये हो जाता है और एक और पेयर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, 79 एंड 97। तो इस तरह से ये आपको पेयर मिल गए हैं। अब कैसे मिलेंगे, आपको पहले 100 तक के प्राइम नंबर्स लिखने पड़ेंगे ठीक है, उसके बाद आप ये पेयर ढूंढ सकते हैं इजीली विदाउट एनी मिस्टेक। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये सब आपने कॉपी कर लिए हैं, इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। अब आपको 20 से कम जो है, 20 से जो कम है वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर अलग अलग लिखने हैं ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 से 20 तक नंबर्स लिख लेंगे और उसके बाद आप बताएंगे उनमें से कि प्राइम नंबर कौन से हैं और कंपोजिट नंबर कौन से हैं। तो आप काउंटिंग लिख लेंगे पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये नंबर्स आपके सामने, सबसे पहले तो इनमें से जो प्राइम नंबर्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं और बाकी जो बच जाएंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, एक स्पेशल नंबर मैंने आपको बताया था वो कौन सा है, अगर वो इनमें इंक्लूड है तो उसको हम हटा देंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताएंगे आप। तो स्टूडेंट्स जिस जिस का भी आंसर आ गया है आप सेपरेटली, जैसे पहले आप लिखेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, वह इनमें से जो जो प्राइम नंबर्स हैं वो आप उसके सामने लिख देंगे, फिर बाकी जो बचेंगे कंपोजिट नंबर्स उनके सामने लिख देंगे और जो भी आपका आंसर है बच्चों अपना आंसर आप सेंड कर दीजिए। तो सबसे पहले आता है 1, मैंने बताया था 1 जो है ये क्या है, स्पेशल नंबर है ठीक है, ये स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये ना ही तो प्राइम नंबर है, प्राइम मतलब बच्चों अभाज्य संख्या, और ना ही ये भाज्य संख्या है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे पहले। उसके बाद देखिए जो प्राइम नंबर आते हैं 2, 3 और 5 ये प्राइम नंबर आते हैं, फिर 7 प्राइम नंबर हो गया, 8, 9, 10 नहीं है लेकिन 11 प्राइम नंबर हो गया, फिर 13 प्राइम नंबर हो गया, फिर 17 प्राइम नंबर हो गया और 19 हो गया प्राइम नंबर। तो देखिए जो भी प्राइम नंबर है मैंने सबके सामने P यहाँ पे लिख दिया है, बाकी जो बचे हैं वो कंपोजिट नंबर हो गए, जैसे कि 4 है वो कंपोजिट नंबर हो गया, 6 कंपोजिट नंबर हो गया, 8 कंपोजिट नंबर हो गया, 9 कंपोजिट नंबर हो गया और
10 कंपोजिट नंबर, फिर 12 भी कंपोजिट है, 14 भी कंपोजिट नंबर है, 15 भी, 16 भी, 17 प्राइम नंबर है, 18 कंपोजिट हो गया, 19 प्राइम है, 20 हो गया कंपोजिट नंबर। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सी लिख दिया है, जो भी कंपोजिट नंबर है। तो बच्चों कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हैं, दो से अधिक गुणनखंड होंगे। तो बच्चों इनको नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स सबने इसको नोट डाउन कर लिया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चों यहां तक कोई डाउट होता है आपको तो आप पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए अभी, इसी टाइम आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं क्वेश्चन को कि 1 और 10 के बीच में जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो क्या होगी, ये आपसे पूछने की कोशिश की गई है। तो बताइए मुझे 1 से 10 तक कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 2, फिर 3, फिर 5 और 7, उसके बाद तो आ जाता है 11, है ना। और 11 क्या है, 11 दो अंकों की मतलब 10 से बड़ी है अभाज्य संख्या, लेकिन हमें 10 से और 1 के बीच में चाहिए, इसीलिए 2, 3, 5 और 7 ही होंगे, इन्हीं में से हमें सेलेक्ट करनी है जो भी इनमें से सबसे बड़ी है। तो देखिए सीधा आपको दिख रहा है कि 2, 3, 5 और 7 में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 7 है, है ना। तो ये 7 जो है इसको आप बोल सकते हैं कि दिस इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 टू 10। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी था, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिए हैं जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे, 3, 4 एंड 5 ये यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों काफी सारे क्वेश्चन हैं आपके सामने इस एक्सरसाइज में जो आपको करने हैं पूरे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि जो आपको ये यहाँ पे दिया है, ये पार्ट्स दिए हैं अलग अलग इसमें, ठीक है, अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, और आपको क्या बताना है कि भाई जैसे ये 44 है ना, 44 है, इसको आपको कैसे व्यक्त करना है, इसको व्यक्त करना है 2 विषम अभाज्य संख्याओं के रूप के सम के रूप में, ठीक है। तो आपको बस ये बताना है कि जो ये 44 है, ऐसी दो कौन सी 2 संख्याएं हैं, और वो भी विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जिनको ऐड करके कितना आएगा बच्चों, 44 आएगा, ये चीज आपको बताना है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, 44 को देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2, 2 में आप कितने जोड़ेंगे कि 44 आ जाए, 42 जोड़ेंगे तभी 44 आएगा। मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये विषम अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऐसा नंबर नहीं लेना जो क्या बोलते हैं, सम अभाज्य संख्या हो। विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाती है बच्चों, 3, ठीक है, 2 के बाद तो 3 आती है विषम अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 तो सम अभाज्य संख्या होगी। तो 3 में कितना जोड़ेंगे कि 44 आ जाए, तो 3 में 41 हम जोड़ देंगे। तो देखिए दोनों ही अभाज्य संख्या हैं और दोनों ही विषम संख्याएं हैं, तो इसीलिए आप 44 को व्यक्त कर सकते हैं 3 प्लस 41 के रूप में, जो ये कंडीशन पूरी कर रहा है कि दोनों विषम संख्याएं भी हैं और अभाज्य संख्याएं भी हैं, और दोनों का योग 44 आ रहा है। तो बच्चों इस तरह से इनको व्यक्त करना है, जितने भी पार्ट हैं ये आप सॉल्व करेंगे। एक चीज मैं और बता दूं, जरूरी नहीं है बच्चों कि हर किसी का यही आंसर आए 3 एंड 41, और कोई और कुछ आंसर भी आ सकता है, ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ 44 के साथ ही, जैसे 3 के बाद प्राइम नंबर आता है 5, है ना, तो 5 में आप कितना जोड़ेंगे कि 44 आ जाए, तो 39 जोड़ेंगे, 5 में कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों विषम प्राइम नंबर है? तो 5 विषम संख्या है, 39 भी विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पे 39 प्राइम नंबर
नहीं है, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि ये कंडीशन को पूरी नहीं कर रहे। अब दूसरा देखते हैं, इसके बाद है प्राइम नंबर 7। 7 में कितना जोड़ेंगे कि 44 आ जाए, तो 37 अगर आप जोड़ते हैं 7 में तो 44 आ जाता है। तो देखिए 7 भी एक प्राइम नंबर है, 37 भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों ही ऑड प्राइम नंबर्स हैं, यानी विषम और अभाज्य संख्याएं हैं, विषम अभाज्य संख्याएं। तो किसी का आंसर ये भी आ सकता है 7 + 37, इसमें कोई गलती नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा अगर आप 7 + 37 भी लिखते हैं तो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई आपको सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है या सबसे बड़ा लेना है, जो आपका आंसर आता है। बस कंडीशन पूरी होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, अगर ये लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे 5 तो कंडीशन को पूरी कर रहा है, 5 विषम भी है और अभाज्य भी है, लेकिन 39 नहीं है। इसीलिए ये ध्यान रखना कि दोनों संख्याएं विषम और अभाज्य हों, और ऐड करके कितना आना चाहिए, जो आपको यहाँ पे नंबर दिया है वो आना चाहिए। तो इसको नोट डाउन करो बच्चों, और जो बाकी के पार्ट्स हैं बी सी और डी, इनको आप अभी पूरा कीजिए जल्दी से, और आंसर बताइए क्या आंसर आएगा इसका। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, बाकी पार्ट्स भी इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे। देखिए इनमें से मैं एक पार्ट और आपको बता देता हूँ, चलिए बी पार्ट करते हैं। बी में कितना है, 36 है। तो यहाँ पे देखिए हम कितने से शुरू कर सकते हैं, भाई 2 तो क्या हो गया, विषम प्राइम नंबर नहीं हुआ, सम हुआ, इसलिए हम 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 + 33 होगा, तो 33 ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि 33 एक प्राइम नंबर नहीं है। फिर 5 करेंगे, 5 + 31 आ जाता है ना, 5 + 31 36 होता है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो देखिए ये आप इस तरह से कर सकते हैं। जो बाकी के 2 पार्ट हैं वो आप बच्चों होमवर्क में करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि इसी तरह से करने हैं जो 2 पार्ट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह बताए हैं आपको, तो इनको आपको नोट डाउन करना है बच्चों, और बाकी के 2 पार्ट से उनको कंप्लीट करना है अपने। तो बच्चों इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और घर पे जाके रिवाइज जरूर करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।